आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। कंगना रनौत का अत्याचारी खेल लॉकअप दिन ब दिन दिलचस्प होता नजर आ रहा है। शनिवार को एक एविक्शन में तहसीन पूनम वाला को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो वहीं सैंडे को भी कुछ ऐसा हुआ कि लॉकअप का मजा दुगना हो गया। शो में सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक रही सारा अली खान के सामने उनका अतीत सामने आ गया, जिसे देख सारा के होश उड़ गए। हुआ ये कि सारा के एक्स हस्बैंड अली मर्चेंट ने शो में 14वें कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री ली है। अली की एंट्री के साथ शो में दिलचस्प मोर आने वाला है। सारा खान ने तो चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया हो। आपको बता दें कि बिग बॉस 4 में सारा कंटेस्टेंट बनकर शो के अंदर गई थी और उसी शो के दौरान उनकी शादी हो गई थी। बाहर आकर उनके और अली के बीच काफी विवाद भी हुआ था और शादी के 2 महीने बाद ही कपल का तलाक भी हो गया था, जिसके बाद सारा और अली के तलाक पर लोगों ने तमाम सवाल खड़ा कर दिए। और उनका कहना था कि सारा ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रियलिटी शो में फेक शादी की है। ऐसे में अब जब सारा और अली कंगना के अत्याचारी जेल में एक साथ होंगे तो क्या क्या धमाल देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प होगा। वहीं शो में अपनी एक्स वाइफ सारा की उस उपस्थिति के बारे में बात करते हुए अली ने कहा कि मुझे लगता है कि यह इस शो का फॉर्मेट है जहां उन्हें होना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह भी खुद को फिर से मजबूत करने के लिए तैयार होगी। मुझे उम्मीद है कि वह खुद पर विश्वास रखेंगी। मुझे आशा है कि इसे पॉजिटिव रूप में देखा जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में वो अपना ही नुकसान करेंगी। वहीं अली ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि उनके मन में जो है वो सारा के खिलाफ कोई भी मनमुटाव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शो का हिस्सा बनने आए हैं। वहीं अली ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मुनवीर जो है वो उनके फेवरेट कंटेस्टेंट है इस शो में और उनकी जो शो में जो भूमिका वो निभा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है। वो एक रियल कैरेक्टर के तौर पर शो में उभर के आ रहे हैं और आशा करते हैं कि अब अली भी इस शो में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसी बीच सारा और अली के बीच का जो टकराव है वो अब दर्शकों को देखने मिल सकता है और इस शो में दिन पर दिन दिलचस्पी जो है वो दर्शकों की और बढ़ती जा रही है। अब आगे क्या होगा, इन दोनों का रिश्ता कैसा मोड़ लेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आज